Elections this year is said to be the bringer of change. Well, while the common man was exercising his right to vote, our celebrities weren't far behind. Many turned up early morning to vote. Among the early vote celebrities who turned up to exercise their right were actors like Rekha, Aamir Khan, Sonam Kapoor, Dharmendra. Sachin Tendulkar, who celebrated his 41st birthday on Thursday, had come along with wife Anjali to cast his vote in a Bandra polling booth. Shah Rukh Khan, Farhan Akhtar, Zoya Akhtar were other celebrities who cast their votes. और मुझे लगता है कि सबको भी करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। और मैं सुबह सुबह आई हूँ, मुझे लगा कि कोई आप सब होगी नहीं। किस तरह का नेता चाहती हैं आप, जो देश में क्या बदलाव लाए? अब तो मैं सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट कर रही हूँ। होपफुली जो पिछले 10 साल से हो रहा है, अभी अगले 10 साल से 10 साल तक नहीं हो। प्लीज गो आउट एंड वोट। अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई कर, वोट कर, कुछ कर, चेंज ला एंड होप फॉर अ बेटर इंडिया, अ बेटर सिटी। And you can do that only by voting. Show your finger. Thank you guys. मैंने भी वोट किया है, आप भी प्लीज जाके वोट कीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस। राजन जी, ये जाओ दे यार। किसकी भागीदारी है, आपने वोट करने आया, क्या कहेंगे? आराम से लेके जा रहे हैं। मैं कहूंगी कि अगर आपको देश पे बदलाव करना है, इन्हें करना है, देखना है, अपने लिए देखना है, तो जरूर वोट कीजिए। ये देश आपका है, छीन लीजिए जिससे छीनना है। कहना है कि आइंदा कोई भी सरकार आए, लेकिन अगर इलेक्शन रखना है तो कोई अच्छे मौसम में रखें, अच्छे महीने में रखें। इतनी गर्मी में सब लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, सब इतने दुखी हैं, तो जो जीते उसे ये बात याद रहे। ओके, थैंक यू। उसने बहुत अच्छा काम किया है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और लास्ट टाइम भी काफी ऊंचे मार्जिन से जीत के आई थी, एंड शी इज डन लॉट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी। एंड यू नो इट इज द सैड पार्ट इज, यू नो व्हाट पीपल डू इज नॉट रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज नॉट डन, इवन इफ इट्स अ स्मॉल परसेंटेज, पीपल वांट टू काउंट ऑन ऑफ इट फ्रॉम द रूट। बट आई वोटेड फॉर मैम बिकॉज़ आई नो शी इज डन लॉट। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हम सबके लिए, और एक बार फिर मैं सबसे अपील करता हूं कि हर हिंदुस्तानी अपने घर से निकले और जाके वोट दे। आज यहां मुंबई में वोटिंग चल रही है, और मेरी पत्नी किरण और मैं, हम दोनों आए हैं, और मैं हर एक हिंदुस्तानी से ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे लोकतंत्र का। वैसे तो हमें हमारे लोकतंत्र के साथ हर दिन जुड़े रहना चाहिए, लेकिन ये दिन तो बहुत ख़ास है हम सब के लिए, और हर एक हिंदुस्तानी को इसका एक हिस्सा बनना ही चाहिए। और ये एक बार फिर मैं सबसे अपील करता हूँ, मुझे यकीन है कि सब लोग बाहर आएंगे। पिछली दफ़ा मुझे याद है मुंबई में लोग कम निकले थे, और मुझे उम्मीद है इस दफा ज्यादा लोग आएंगे। फिर मैंने सुना कि काफी सारे लोग आईफा अटेंड करने गए हैं, तो काफी सारे लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं, इज़न्ट दिस राइट? अच्छा, वो लोग आईफा चले गए? बहुत सारे, मुझे पता नहीं होता है अवार्ड्स के बारे में, लेकिन चलिए आई होप कि वो लोग आके वोट कर पाए थे। वेल, आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर स्टेबल गवर्नमेंट, यू नो, एंड समबडी हु इज गोना हैव slightly more wholesome, more inclusive, and at the same time a slightly more future thinking plan. You know, I genuinely feel that a lot of us are very fed up with living in the past. You know, I really think that it's time to kind of let go of things and move on. And at the same time just think of where we want India to be in the next 5 years. System mein problem to hai hi hai, bahut dheema kaam hota hai, system mein problem to hai hi, itni bheed hai, log vote karna chahte hai, लेकिन अंदर बहुत धीमा चल रहा है हर चीज़। लेकिन ठीक है, एक मैं कैंडिडेट होते हुए भी मुझे टाइम लग गया ढूंढने के लिए, तो एक नॉर्मल इंसानों के साथ क्या होता का, बट ठीक है, आज सब शुभ शुभ बोलना चाहिए, और मैं अपना वोट करके आ गई। सोनाली जी, आप वहीं पे रहिए, यहाँ पे बूम डाल रहे हैं, दो शब्द आपसे सुनना चाहिए। सोनाली, वोट डालने आई है आप, अपने मतदान का हक का अदा करिए, आप लोग क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पे, कितना इम्पोर्टेंट है? हम चाहते हैं कि जो शहरों वाला इंडिया है जाके वोट नहीं करता है, तो प्लीज जाके वोट करिए। आज समय है आई थिंक आज बहुत ज़रूरी दिन है फॉर एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री। यू नो, हम काफ़ी बोलते रहते हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, सो टुडे इज़ योर डे। आई होप एवरी वंस कम आउट ऑफ द हाउसेज एंड वोटेड फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट फॉर हु दे थिंक इज फिट इनफ टू रन दिस कंट्री, एंड आई हैव एक्सरसाइज माई राइट, एंड आई होप ऑल यू गाइस हैव टू।
आई थिंक दिस इलेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट इलेक्शन है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि सब जाके वोट करें, नहीं तो हमेशा जब भी इस देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो सब लोग जाके कभी सड़कों में जाके कैंडल जलाते हैं, कभी अलग अलग तरह के अपनी आवाज उठाते हैं। आई थिंक द इजिएस्ट वे अपनी आवाज उठाने की वोट करने की है, तो ऑल दोज पीपल जब भी कोई प्रॉब्लम होती है और वो जाके कोई पीस मार्च करते हैं या कैंडल जलाते हैं, आई थिंक उस कैंडल से ज्यादा इम्पोर्टेंट आज ये वोट है। सो वोटिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट, ऑल दैट वोटिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई रियली होप कि जो यूथ है आज की वो जाके वोट करे, बिकॉज उस यूथ का वोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और स्पेशली विमेन, क्योंकि 49% ऑफ जो इंडिया का वोट है वो औरतों का वोट है, सो आई थिंक औरतों को वोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक यू नो एवरीबडी टॉक्स अबाउट voting being a right and celebration of democracy, ye sab kuch sahi hai aur hai aisa, but I think the right to vote is also the right to dignity, apne desh mein rehne ki jis tarah hum chahte hain, jis prakar ki cheeze chahte hain, ghar mein bahar apne bachchon ke liye, doston ke liye, I think pure desh ke liye. So I think when you look at it, then it amalgamates a lot of things, not just one or two issues that we talk about, but on the platform sir, ye baat nahi lagta ki hum log voting ko lekar bahut zyada jagruk ho gaye hain, आप लोग हैं ना जागरूक कराने के लिए। बहुत सारे सीनियर सिटीजंस हैं वो निकल कर आए, लेकिन यंगस्टर्स फिर भी बहुत कम निकले हैं, क्या कहेंगे? I don't know, आपको मालूम होगा, लेकिन इसलिए कहते हैं कि जो बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी डायरेक्शन फॉलो करनी चाहिए। और मैं भी जब अंदर गया तो बहुत सारे I don't like to call them senior citizens, I like to call them people who show us the path. बहुत सारे थे अंदर और उनमें से दो ने तो मेरे लिए इंतजार भी किया, सो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। I think we should follow their footsteps. What is the one big reason that brought you to come out and vote? One glaring issue. You know, there's a little book I was reading last night, early morning, because I'm shooting all night. And you know, there's a saying by a very important leader that, you know, elections and democracy is like a fire, and how you feed a fire if it's in front of you. If you turn your back to it, your behind will catch fire, and then you will be sitting on your blisters and have no right to complain for the next 5 years. So if there is a fire in front of you, you need to take care of it in a good way, douse it out, look after it, look after yourself. And I think elections and democracy is like that, and I think everyone should come out and vote. And those who haven't been able to, I hope they have good enough reasons. There must be some older commitments or whatever. Lots of your colleagues have gone to IFA. What do you like to say? Like people from a fraternity. People from a fraternity have opted for an award. I can't, you know, it'd be wrong for me to take this high ground and mention why X or Y or Z haven't been able to come and vote. Everybody has their commitments. It is always nicer if we are able to do it. Sometimes it's unavoidable. I'm not taking on for my industry. I'm not taking away. I heard the voter turnout here is something between 20% to 25%. So there are a lot of people from all walks of life who haven't been able to make it. Inshallah, the next one. Or we still have half an hour, 1 hour, so everybody come out and vote. Some like lyricist and Rajya Sabha MP Javed Akhtar, wife Shabana Azmi, and actors Saif Ali Khan, Anil Kapoor, Priyanka Chopra, Deepika Padukone, Sonakshi Sinha, and many others gave the elections a miss, as they are away attending the IFA in the USA. Tell us in the comment section below if you voted too. And don't forget to like the video and subscribe to Bollywood Backstage.